हाय, आई हरसिमरन फ्रॉम प्रोमार्क टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज आपके सामने हम एक डेमोन्स्ट्रेशन लेके आए हैं इंटरैक्टिव टच स्क्रीन का। जैसे कि आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं, ये हमारा 75 इंच का इंटरैक्टिव स्क्रीन है। बेसिकली ये तीन साइजेस में अवेलेबल है, दैट इज 65 इंचेस, 75 इंचेस एंड 86 इंचेस। तो आज के डेमोन्स्ट्रेशन में बेसिकली हम कवर करेंगे क्या इंटरैक्टिव स्क्रीन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और इसमें हम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के बारे में जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स है वो कवर करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं एंड्रॉयड टच स्क्रीन के हमारे एक इंपॉर्टेंट फीचर से। तो ये जो हमारा पैनल है बेसिकली कंप्लीटली 4K पैनल है, ठीक है। मल्टी टच डिस्प्ले है, मतलब साइमल्टेनियसली बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। एंटी ग्लेयर है, मींस बाहर से कोई रिफ्लेक्शंस आती हैं तो 80-85% रिफ्लेक्शंस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड द लेफ्ट ऑफ द क्लासरूम, वो इजिली बोर्ड पे जो भी लिखा है उसको पढ़ सकते हैं। सेफ्टी के लिए H7 हार्डनेस का टफेंड ग्लास लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको बैंग भी करूं तो इट इज सेफ फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट हार्डवेयर फीचर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ द पैनल, तो हमारे जो ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है इसकी लाइफ 50,000 आवर्स है विद अ रिस्पॉन्स टाइम ऑफ 4 ms, राइट। सो दिस इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके एंड्रॉयड के इंटरफेस के और कुछ फीचर्स के बारे में। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये हमारे एंड्रॉयड का इंटरफेस है। यहां पे कुछ आइकन्स आप देख पा रहे हैं। इस आइकन्स में अगर स्टार्ट करें हम, तो बिल्ट इन पीसी का सबसे पहले ऑप्शन आता है। तो बिल्ट इन पीसी बेसिकली क्या है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा ये इंटरैक्टिव स्क्रीन है, दिस इज आर RSP सीरीज, ठीक है। तो इसके अंदर एक एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड 8.0 विद 3GB रैम एंड 48GB स्टोरेज, जो कि हमारा एक्सपेंडेबल है 64GB तक। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक OPS PC होता है जो बेसिकली हमारे पैनल के बैक साइड ही इंसर्ट किया गया है, ठीक है। OPS PC की जगह पे हम अपना लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी जैसे मैं अगर OPS PC पे स्विच करना चाहूं, तो विद इन अ स्पैन ऑफ 1-2 seconds ये स्विच हो जाता है। और इफ आई वॉन्ट टू गो बैक टू द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, दोबारा मैं जाना चाहूं, तो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे भी हम डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, सोर्स की ऑप्शन है। सो सोर्स की ऑप्शन बेसिकली सेम, अगर किसी ने अपना लैपटॉप कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू वो कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं HDMI पोर्ट्स भी हैं फ्रंट में, ठीक है, VGA पोर्ट्स भी कुछ अवेलेबल हैं, बैक साइड भी हमारे साथ बहुत सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो लैपटॉप आप HDMI, DP पोर्ट, VGA पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आप लैपटॉप कनेक्ट करेंगे तो उसका डिस्प्ले यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि अभी ऑलरेडी मेरा OPS PC कनेक्टेड है, तो मेरा उसका डिस्प्ले यहाँ पे आ रहा है। आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और उसी डिस्प्ले पे आप आके वर्क कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने देखा होगा एंड्रॉयड और OPS PC या कोई भी लैपटॉप आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें स्विच करने में जस्ट 1-2 seconds ही लगते हैं। थर्ड आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का। तो बेसिकली ये हमारा व्हाइट बोर्ड है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का। यहाँ पे फीचर्स अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल पेन है विद डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, मैं ब्लैक कलर से कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड देन हाइलाइटर पेन है, ठीक है, तो आप हाइलाइटर पेन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही में इसमें आप देखेंगे एक हमारे पैनल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन फीचर बोलते हैं। इसमें बेसिकली जो हम स्टाइलस आपको प्रोवाइड करते हैं, इसमें एक साइड का जो स्टाइलस का साइड होता है वो स्मॉलर डायमीटर में होता है और दूसरा साइड हायर डायमीटर में होता है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कोई क्वेश्चन लिखना है, तो वो ब्लैक कलर से लिख रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, और उन्होंने साइड को चेंज किया एंड साइड को चेंज करके वो आंसर डिफरेंट कलर से लिख सकते हैं। तो बेसिकली उसमें टीचर का टाइम सेव होगा, जो नीचे से वो कलर चूज करेंगे। सिमिलर वे, अगर आप एक साइड से लिखना चाहते हैं और दूसरी साइड से आप उसको एज ए इरेजर यूज करना चाहते हैं स्टाइलस की दूसरी साइड को, तो वो भी पॉसिबल है। थर्ड आप यहां पे देख रहे हैं, एक ग्रुपिंग का फीचर आता है। फॉर एग्जाम्पल,
मुझे कोई दो तीन डायग्राम्स हैं, उसको हमने क्लब करना है, ठीक है, और उसको हमें मूव करना है राइट लेफ्ट जो भी हम चाहते हैं। आप उसको जूम कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, तो वो सारी ऑप्शंस इस ग्रुपिंग फीचर में आते हैं। थर्ड, जो भी हमने लिखा है आप उसको एज ए इरेजर, हाउ टू इरेज इट, तो बेसिकली आप पाल्म इरेज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत इजीली वी कैन इरेज वट एवर वी हैड रिटन। देन दिस इज द कंप्लीट इरेजिंग ऑप्शन, जो भी आपने पेज पे लिखा है आपने पूरा पेज इरेज करना है तो कंप्लीटली इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रीडू अंडू ऑप्शन है। समटाइम्स क्या होता है, टीचर ने कोई कंटेंट बोर्ड के ऊपर लिखा और गलती से वो इरेज हो गया, ठीक है, तो आप दोबारा उसको रीडू अंडू कर सकते हैं। ऑन द राइट साइड ऑफ द स्मार्ट बोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का आइकन आता है। प्लस का आइकन बेसिकली मतलब शीट को अगर आपने आगे करना है, जैसे 5 नंबर स्लाइड अभी चल रही है, आपको 6 नंबर स्लाइड पे जाना है, 7 नंबर स्लाइड पे जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से शीट की स्लाइड्स को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे प्लस को होल्ड करेंगे जब, तो हमारे पास कुछ बैकग्राउंड ऑप्शंस आएंगी। बैकग्राउंड ऑप्शंस में इफ वी वांट द ग्रीन बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, तो वो हम चूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर सम ऑप्शंस जो आप जैसे कि हिंदी लाइंस हैं, ग्रिड्स हैं, तो वो भी हम चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे को एक लाइंस का पैटर्न आपके सामने दिख रहा होगा आपको, राइट। देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो भी आपने अब तक का काम किया है, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे स्लाइड्स बन जाएंगी, ठीक है। हम अगर चाहते हैं इस स्लाइड्स को सेव करना सिस्टम के अंदर, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। प्लस अगर हम चाहते हैं इसको एक्सपोर्ट करना, फॉर एग्जाम्पल एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। अभी मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 4 पेज थे, इसको हमें पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये क्यूआर कोड जनरेट करेगा। एंड क्यूआर कोड जब जनरेट करेगा तो आप फोन का कैमरा खोल के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्यूआर कोड फोन का कैमरा खोला, तो यहाँ पे ये बेसिकली फाइल अपने आप खुल जाएगी इंटरनेट सोर्स के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे ये डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है, तो मैं इजिली जो भी मैंने काम किया है तो वो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे कि मेरे फोन में अब पीडीएफ फॉर्मेट में ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, तो ये मैं इजिली कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सिस्टम की स्टोरेज में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन हमारे राइट साइड पे विजुअलाइजर की ऑप्शन अवेलेबल है। विजुअलाइजर बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक एडिशनल असेसरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर बाहर से आया, कोई उन्होंने नोट्स हैं उनके पास या कोई क्वेश्चन लिखे हुए हैं उन्होंने, तो डायरेक्टली वो आके अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और जो भी टीचर डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखेंगे तो वो डायरेक्टली बोर्ड पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड आप देखेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो विजुअलाइजर का कैमरा है वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, और सेम टाइम पे आप वही जो आपने रखा हुआ है पेज उसकी आप कैप्चर करके कोई पिक्चर रखना चाहते हैं तो वो वहाँ पे रख सकते हैं। उसी के ऊपर इवन हम एनोटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको कोई राइटिंग करनी है, कुछ लिख के आपने समझाना है, सो सेम टाइम पे आप राइटिंग भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसमें बेसिकली है रिकॉर्डिंग की। सो जो भी आप बोर्ड के ऊपर राइटिंग करेंगे दैट कैन बी रिकॉर्डेड। सो बेसिकली उसके लिए आपको यहाँ से रेड आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा और जो भी हम राइट करेंगे वो इसको रिकॉर्ड करेगा। इसको हम स्टॉप कर देंगे तो ये जो भी आप लोकेशन पे स्टोरेज पे इसको सेव करना चाहते हैं ये वहां पे सेव हो जाएगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक पेन ड्राइव कनेक्टेड है और इसकी एक इंटरनल स्टोरेज है, तो जहां पे भी आप चाहते हैं उसको सेव कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें देखेंगे स्प्लिट मोड की ऑप्शन आती है। स्प्लिट मोड बेसिकली क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 बच्चे आपने बुलाए और उनको एक टास्क दिया यहाँ पे बोर्ड पे काम करने के लिए, तो
इस स्क्रीन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम टाइम पे तीन बच्चे अगर कोई टास्क करना चाहते हैं, सो दैट कैन बी डन वेरी इजिली। और जो भी टास्क बच्चों ने किया है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो साथ के साथ हम स्क्रीनशॉट लेके उसको कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं। देन जैसे कि आपने देखा वहां पे हमारे पास शीट्स बनती हैं, स्लाइड्स बनती हैं, बट वी आर नॉट लिमिटेड टू डू दोस स्लाइड्स ओनली। अगर आपने इस पेज पे ही कुछ राइटिंग करके लिखना स्टार्ट किया है और आप उसी पेज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, टॉप है, बॉटम है, तो हम उसी पेज को अनलिमिटेडली एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पे प्री डिफाइंड शेप्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, सो दीज वर सम प्री डिफाइंड शेप्स, तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आप देख रहे हैं, कुछ कॉन्टेंट जैसे कि ऑनलाइन आपने कोई कॉन्टेंट लेना है सिस्टम में से ही ऑनलाइन, और आपको बोर्ड पे उसको इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ लंग्स, तो लंग्स के रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा या उसके रिलेटेड कोई पिक्चर्स आ जाएंगी, तो हम डायरेक्टली उस पिक्चर को यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैग करके जैसे कि अभी आप इसको जूम इन, जूम आउट, टेल्ट कुछ भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर हमें राइटिंग करके कुछ समझाना है तो दैट कैन ऑल्सो बी डन वेरी इजिली। सिमिलरली यहाँ पे जैसे कि ये तो इमेजी सर्च हुई थी, आपने कुछ गूगल पे सर्च करना है तो वो भी डायरेक्टली हम सर्च करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अगेन जैसे मैं लंग्स की फोटोज इमेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई कंटेंट भी आपने पढ़ाना है साथ साथ में ऑनलाइन और बोर्ड के ऊपर आपने लिखना है, तो वो भी साइमल्टेनियसली पॉसिबल है। देन ये हमारे सॉफ्टवेयर का फीचर है। थर्ड आइकन आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन शेयरिंग का। स्क्रीन शेयरिंग में अगर आप फोन की स्क्रीन या आपके लैपटॉप की स्क्रीन को वायरलेसली पैनल के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, सो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने आईफोन की स्क्रीन को कास्ट करना है इसके ऊपर, तो बेसिकली उसके लिए एयरप्ले रेडी का एक ऑप्शन होता है, तो डायरेक्टली हम उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, द ओनली थिंग दैट वी रिक्वायर्ड इज जो वाईफाई नेटवर्क है वो दोनों का सेम होना चाहिए। फोर्थ आइकन जो बेसिकली एप्लीकेशन स्टोरेज का है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पेन ड्राइव लगाई हुई है, इसकी इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है, बेसिकली इसकी 48 GB स्टोरेज हम देते हैं हमारे RSP सीरीज की, प्लस एक्सपेंडेबल है ये 64 GB तक। ठीक है, उसके अलावा हम इस पे लोकल नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, देन क्लाउड स्टोरेज पे भी आप इजीली जा सकते हैं। देन फिफ्थ ये आइकन है हमारा एप्लीकेशंस का, जो भी आपके इनबिल्ट एप्लीकेशंस है वो हम ऑलरेडी इसमें होंगी, और कुछ एप्लीकेशंस जो आप डाउनलोड करके इस पे अपलोड करना चाहते हैं वो भी हम इजीली कर सकते हैं, जैसे कि जूम एप्लीकेशन इज ऑलरेडी देयर। देन एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आईज की सेफ्टी के लिए है, ठीक है, जिसको हम ब्लू लाइट फिल्टर बोलते हैं। बेसिकली जितने भी चाहे घर पे भी टेलीविजन है, नॉर्मल कोई भी एलईडी होती है, तो उसके उसमें से एक ब्लू लाइट्स निकलती है जो कि डेंजरस होती है हमारी आंखों के लिए। तो इस पैनल में जो हमारा लेटेस्ट पैनल है इसमें ब्लू लाइट फिल्टर का एक लेवल हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी 100% लेवल इसका सेट किया, तो इसमें से जो ब्लू लाइट्स आ रही हैं उसको इसने फिल्टर आउट कर दिया, और अब जो भी आप लाइट्स देख पा रहे होंगे कैमरे में से ये अभी येलो लाइट्स बाहर आ रही हैं, सो इट बेसिकली प्रोटेक्ट द आईज ऑफ द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स जो इसको यूज करेंगे, राइट। सो दिस इज समथिंग अबाउट द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। थैंक यू एवरीवन।